हेलो है दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका भाई इमरान खान। दोस्तों आप देख रहे होंगे एक सेट में हमारा शागिर्द हमारे साथ ऑनलाइन चल रहा है ये, और ये वैभव भाई हमारे शागिर्द कर्नाटका से। ठीक है जी, वीडियो बनाने का मकसद ये है कि भाई ने दो बातें ऐसी की मेरे को मजबूर कर दिया वीडियो बनाने के लिए। बड़ी प्यारी बात कही इन्होंने, जो चीज़ हम लोगों को सिखाते और बताते हैं ना, इन्होंने उस बात पर बड़ा फोकस किया वैभव भाई ने। हम बैठे थे अभी, खाना खा रहे थे, खाना खा के जस्ट हटे थे, इनकी वीडियो कॉल आ गई और देखें ये। हेलो करो वैभव भाई। हेलो, नमस्ते सभी भाइयों को, कैसे हो? चलो बढ़िया, अच्छी बात है। तो ये कहाँ से लाइव चल रहे हैं वैभव भाई? कुवैत से। तो दोस्तों ये कुवैत पहुंच चुके हैं। अच्छा, कुवैत पहुंचे, क्यों पहुंच गए, कैसे पहुंच गए यार, ये बताओगे पब्लिक को थोड़ा? जब मैं आपका शागिर्द बने आया था ना, आपने मुझे जिंदगी के बारे में दो बातें सिखा दी आपने मेरे को। अच्छा, क्या बताया था? पहले शौक नहीं, पहले काम, घर, परिवार, बाद में उसके आगे शौक। तो आज आप वहां पहुंच गए कुवैत। मैंने आपके बातों के ऊपर गौर करा, थोड़ा सोचा उस्ताद ही सही बोल रहे हैं, कुछ गलत नहीं है, क्योंकि पहले कुछ करेंगे तो तभी शौक पूरा हो सकता है ना। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। घर भी, घर परिवार भी देखना पड़ेगा ना पूरा। हाँ ये, अरे पहले देखो घर परिवार और कारोबार है ना, तो शौक भी रहेगा। अगर खाली शौक में घुसे रहोगे तो चिड़ी मार बन के रह जाओगे, घर बर्बाद और शौक भी बर्बाद हो जाता है। हाँ उस्ताद जी, वही आपने आपके बातों के ऊपर फोकस कर मैं आज तक यहाँ पर पहुंचा हूँ। चलो बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों ये शागिर्द हमारा, इन्होंने वीडियो कॉल की और अचानक से किया। देखो मेरे को ये नहीं पता था कि ये कुवैत पहुंच चुके हैं ये, तो मैं भी इनसे पूछ रहा था, अरे कहाँ रात में कहाँ से कॉल कर रहे, तो कह रहे कुवैत से। और फिर इन्होंने कहा कि इमरान भाई आपकी बातों पे फोकस करके और मेहनत की और हम यहाँ कुवैत पहुंच गए, क्योंकि पहले कारोबार करना है, पैसा कमाना है, घर परिवार देखना, फिर शौक करेंगे। तो हमें ऐसे शागिर्द चाहिए, ना कि ऐसे भड़वे चाहिए हमें लोग जो खाली कबूतरों पे मरते हैं और यारी दोस्ती कुछ नहीं देखते, खाली कबूतर देखते हैं। ठीक है, तो सारी उम्र ऐसी रहेंगे वो कभी तरक्की नहीं कर पाएंगे वे। ठीक है, इंसान हो तो ऐसा यार, शागिर्द हो तो ऐसा, देखो ऐसी सोच रखने वाला कामयाब। अभी ये अल्लाह ने चाहा तो बढ़िया कामयाबी हासिल करेंगे कुवैत में, अच्छा घर परिवार लेके चलेंगे, शौक तो होता रहेगा। लोग बाग बाजा बाजा जिंदगी को शौक बना लेता है कबूतरबाजी को, घर परिवार परेशान, सब परेशान हो जाते हैं, कुछ नहीं करता। और हम यही सीख आपको देते हैं दोस्तों, देखो हमारी वीडियो बनाने का मकसद इस तरह पूरा होता है, ऐसी वीडियो देख के हमारा दिल बहुत खुश होता है। हकीकत में जब कोई चिड़ी माड़ी छोड़ करके और अपना घर परिवार लेके चलता है, तब हमारा दिल खुश होता है कि इमरान भाई हम सुधर गए, हम कारोबार कर रहे हैं, तो हमें अच्छा लगता है, देख के सुन के अच्छा लगता है। जब कोई जैसे अभी अबू जफर भाई हैं, उन्होंने कारोबार करने के लिए अपने घर से सारे कबूतर बेच के दिल्ली जाके सेटल हो गए, वहां वो कारोबार सही कर रहे हैं, कह रहे जब पैसा हो जाएगा जेब में इमरान भाई तब हम कारोबार करेंगे। और दूसरे ये देखो भाई कुवैत पहुंच गए और कहते हैं कि पहले कारोबार फिर जेब में पैसा होगा तो दबा के शौक करेंगे। तो यार शागिर्द हो तो ऐसे हो, वरना तो भैया हमारी लिस्ट में मत आया करो यार, क्यों तुम नाम बदनाम करते हो कबूतरबाजी का और अपने उस्तादों का। ठीक है ना, हम कभी किसी को गलत शिक्षा नहीं देते यार। ठीक है, तो वैभव भाई बहुत अच्छा लगा यार आपसे। हाँ उस्ताद जी, वही आपसे बात करना करना बहुत दिल हो रहा था, कल भी कॉल लगाया था आपने उठा नहीं, लाइव के अंदर थे आप। अच्छा मैं आप बस अब लाइव आने वाला हूँ 10 मिनट में। हाँ उस्ताद जी हाँ, जो आप कहाँ पर गाँव को जा रहे हो ना, वहाँ मैं मेरे तरफ से एक दो जोड़े दे दूंगा, मैं आपको फोन पे कर दूंगा, चाहिए तो। बहुत बहुत शुक्रिया यार। देखो क्या शागिर्द है, देखो इतना पैसा कमाने लगा है, वहां से मेरे को फोन पे मारने वाला है। तो ये सब देखो देखो सुनो, हमारे एक वाक्य मैंने सुना, वो कहना चाहूंगा, अगर गलत हो तो बताना, कि एक शख्स ये कहने लगा कि नबी, हमारे नबी, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कि हमें आपसे मोहब्बत हो गई है, हम आपके लिए कोई भी कुर्बानी करने के लिए तैयार है, जैसा आप कहोगे वैसे। तो हमारे नबी ने फिर उनसे पूछा कि सही, अभी भी सोच लो, अभी भी वक्त है। तो वो कहते हैं कैसी भी परेशानी होगी कोई बात नहीं, मगर हमें आपसे बहुत मोहब्बत है, हम आपके बताए हुए रास्ते पे चलेंगे। तो उन्होंने फिर तीन दफे पूछा था, कहते ना तीन दफे पूछा, तो तीसरी दफे में उन्होंने यही कहा शख्स ने कि नहीं जी, हमें आपसे बहुत मोहब्बत है, हम आपसे दिल से प्यार करते हैं। तो हमारे नबी ने यह कहा कि जो नेक काम करता है
अच्छे काम करता है। अब हम आपको अच्छे काम करने के लिए कहेंगे कि अच्छे काम करो, मेहनत करो, मगर अच्छे और काम करने के लिए दुनिया की बेइज्जती झेलनी पड़ती है, ताने सहने पड़ते हैं, बहुत कुछ परेशानी आएंगी। क्या तुम तैयार हो? हाँ उस्ताद जी, वो तो तैयार हूँ। आप है जो ना, बोले तो ऐसी उस्ताद। हम है यार, देखो दुनिया की कितनी बेइज्जती झेलते हैं हम, ठीक है? हम भी नबी की उम्मती में से हैं और नेक काम कर रहे हैं, जैसे तैसे कर रहे हैं, जिस लिबास में से हैं हम अच्छा काम लेके चल रहे हैं कि गरीब का भला। हम ये देखो, हम धर्म नहीं देखते। वैभव भाई, आप आपका धर्म क्या है? हिंदू हिंदू है ये उस्ताद हिंदू जी। है, हम मुसलमान हैं। हमारे चैनल पे कोई धर्म नहीं देखा जाता, हम इंसान देखते हैं। इंसान होना चाहिए, इंसान इंसान से मोहब्बत रखे, ठीक है ना? धर्म मत देखो, धर्म देखोगे तो आप इंसान नहीं बन सही बात पाओगे। है। क्या सही बोला ना अरे मैं? धर्म देखकर क्या मिला है उस्ताद जी? सही है, आजकल एक इंसान ही काम आएगा ना, अच्छे से चलेगा तो कोई भी हाँ, कि अगर आप धर्म को देख अच्छे के रास्ते चलोगे पर चलो। तो हाँ धर्म, सही, धर्म देखने वाला कभी इंसान के काम नहीं आएगा। अगर इंसान इंसान को इंसान देखेगा तो सही इंसान आएगा। इंसान के काम आएगा, हाँ सही है। ठीक है ना? तो दोस्तों यार देखो, हम अपने चैनल पे आपको इंसानियत सिखाते हैं, घर परिवार कैसे रहना वो हम आपको सिखाते हैं, घर को कैसे लेके चलना वो तक सिखाते हैं। हम कबूतरबाजी थोड़ी सिखा रहे हैं, हम आपको इंसान बना रहे। गलत तो नहीं कह रहा मैं? नहीं उस्ताद जी, पहले आप कभी भी बोलते हो, पहला घर परिवार चलो, बाद में कबूतर। हाँ, तो यही चीज हम दोस्तों आपको सिखा रहे हैं, बस समझने का फर्क चाहिए। और जिनके दिमाग में भूसा भरा हो ना कि खाली कबूतरों से बाजी जीतनी, ट्रॉफी जीतनी, बस दिमाग में कीड़ा भरा हुआ है, तो वो इंसान कभी कबूतरबाज इंसान नहीं बन सकता। क्यों? उसकी आंखों में और दिमाग में सिर्फ भूसा भरा हुआ है कि टूर्नामेंट जीतना, बाजी जीतनी, बस, ठीक है ना? वो कभी इंसान नहीं बन सकता वो, और ना वो कभी किसी का हो सकता वो इंसान। जो कबूतर टूर्नामेंट में लगा रहता है ना, तो उसके अल्फाज सुनना कभी, उसके अल्फाज क्या है, वो कैसे सामने वालों को इज्जत देता है, उसके अल्फाज सुनना, उसके अल्फाज क्या है, ठीक है? और जो इंसान बन जाएगा ना, वो शौक भी ऐसे करेगा, ठीक है भाई आने वाला टूर्नामेंट हम उड़ाएंगे, साथ में खेलेंगे, कोई बात नहीं, प्यार मोहब्बत से। और वही शौक दोस्तों हम करके दिखाएंगे अपनी टीम में, प्यार मोहब्बत का शौक, ठीक है ना? तो बस आपसे दुआओं की दरखास्त है कि यार कोई गलत आदमी हमारे साथ ना जुड़ जाए और हमारा शौक अच्छा चलता रहे। क्यों जी वैभव भाई? सही है उस्ताद जी। तो और सब बढ़िया चल रहा है वहां? सब बढ़िया चल रहा है उस्ताद जी। देखिए हमारा रूम और किचन दिखा ये क्या खाना होना खुद दो पकाते उस्ताद हैं जी। क्या? क्या है हमारा? हाँ उस्ताद जी, खाना वगैरह हमारी है क्या पूरा? अच्छा, ये किचन है, हाँ किचन है। ये सबका चूल्हा अलग अलग रखा है क्या? क्या हाँ अलग अलग है उसका जी, बात है, हमारा रूम, हमारे रूम में और एक फ्रिज है। हाँ चलो बहुत बढ़िया, फ्रिज भी अलग वैसे अलग है, खाना इतना ही हमारा है, मतलब वैसे का सही है सही है। दो रूम है, एक रूम सेपरेट है, एक रूम सेपरेट है। हमारे अच्छा, यहाँ के दो दो चूल्हे हैं और उनके दो चूल्हे हैं। तो आपके साथ में और कौन आया जो आपके साथ में आया? ये मेरा भाई है, दिखाओ कौन सा भाई आया, क्या हाल चाल है मोतीगंज भाई? अरे बड़ी जल्दी भाई को भगा दिया, पूरी बात भी नहीं कराई। से। मैंने करवा दो उस्ताद जी, हेडफोन है ना। अच्छा हेलो, अरे भैया आपका चेहरा नहीं दिख रहा है। हाँ, क्या हाल चाल है भाई? बस बढ़िया। तो आप भी इनके साथ पहुंचे थे वहां पर? सगे सगे ब्रदर हो, रियल ब्रदर, रियल ब्रदर हो? चलो अच्छी बात है। और काम सब बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना हुआ? चलो बहुत अच्छी बात, दे दीजिए फोन, दे दीजिए उन्हें। चलो अच्छा लगा यार, दिल बहुत खुश हुआ यार हमारा देख के, कामयाबी मिलनी चाहिए।
हम ये नहीं चाहते यार कोई हमारी शागिर्दी में आके ना बर्बाद दिखाई दे कि यार काम नहीं कर रहा है, जैसे और पहले चला आ रहा है कि उस्तादों ने शागिर्द डाल लिया और उससे चिड़ी मारी करवाते हैं, उल्टे सीधे काम करवाते हैं और काम से भी अपने यहाँ बुला लेते हैं। तो ये पहले चलता था, अब नहीं चलेगा ये हमारी शागिर्दी में। हम जो है पहले काम पे फोकस कराएंगे अपने सभी शागिर्दों को। तो अभी अभी आप शागिर्द पकड़ी, में लेने के लिए भी रूल्स भी चेंज किए हुए ना उस्ताद जी का से। हाँ आप बच गए, आप बच गए, आप सस्ते में निकल के भाग गए। हाँ किस्मत आपकी अच्छी थी। अभी तो अभी भी मेरे पास इतना कॉल आ रहा है शागिर्दों का, इतना कॉल आ रहा है कि लोग बाग कहते हैं गरीब का कुछ सोचो, हम गरीब है हम क्या करें। मैं कहा भाई देखो मुश्किल है, धोखा हमको गरीबी देके भागे ज्यादातर, अमीर ने धोखा नहीं दिया, ज्यादातर गरीबों ने धोखा दिया हमको। हाँ वो समझाया, अभी लड़कों का भी मेरे पास कॉल आया, वो 20 साल की उम्र है अभी स्टडी कर रहा था। मैं कहा भाई तू शागिर्दी मत ले अभी, अभी जो है तुम पढ़ाई वगैरह करो। मैंने उसको समझाया कि तुम अभी पढ़ाई वगैरह करो, अभी तुम शागिर्दी मत लो। तो कह रहा खाली मैंने नस्ल बनानी। मैं कहा तो जो जोड़े उनका नस्ल बनाओ, खाली पढ़ाई पे फोकस करो, अभी तुम शागिर्दी में मत आओ। हमने मना कर दिया, नहीं तो लोग बाग कहेंगे देखो पैसों के लालची में लालच में ये बच्चे बिगाड़ रहा है और इतना छोटा जो स्टडी कर रहा है उसको भी शागिर्द डाल रहा है। लगता है उधर कनेक्शन हल्का हो गया है, पोर कनेक्शन का सिग्नल आ गया है या उनका डाटा खत्म हो गया होगा। तो दोस्तों बस देखो हो गई बात जो होनी थी, हमें बहुत अच्छा लगा और अल्लाह से हम यही दुआ करेंगे अल्लाह ताला जो भी हमारी शागिर्दी में आए या जो भी हमें दिल से फॉलो करता हो अल्लाह ताला उसे ही दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। इसे काट देते हैं, रख देते हैं, ठीक है ना, कि अल्लाह ताला उन्हें तरक्की अता फरमाए जो दिल से हमारे साथ जुड़ते हैं ईमानदारी से। सभी के लिए हम ये दुआ करेंगे अल्लाह ताला सभी को उन जो भी वो कारोबार कर रहे हैं उसमें हलाल रिज्क अता फरमाए, दो नंबरी काम या लोगों का बेवकूफ़ बनाने वाले काम से अल्लाह ताला बचाए, सबको उनके कारोबार में तरक्की दें जैसे भी वो कारोबार कर रहे हैं जो एक नंबर का अच्छा कारोबार चल रहा है, ठीक है ना। हम तो यही दुआ करेंगे और हमारा दिल बहुत खुश हुआ कि हमारा शागिर्द कुवैत पहुंचा और दोनों भाई वहां पहुंचे और वहां एक कारोबार कर रहे हैं और अब खुश हैं ये बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। तो दोस्तों आप भी इंसानियत दिखाएं, ठीक है, आपका भाई बैठा है, ठीक है, हम हमेशा आप सभी के लिए दुआ करते रहते हैं कि अल्लाह ताला चलो सबको कामयाबी अता फरमाए, ठीक है, और ईमानदारी के साथ। ये आपका भाई ईमानदारी के साथ यहाँ बैठा अभी तक जो इस तरह है, अगर हमें खाली नोट ही छापना होता ना दोस्तों, अगर हमें नोट ही छापना होता तो नाम ही काफी है, नाम ही काफी है अगर नोट छापना होता, समझे ना। ये जो लोग बाग कहते ना कमीशन कमीशन कबूतर बेचने के कमीशन, लोग बाग कहते ना नाम ही काफी, अगर नोट कमाना हो ना, अगर हम कबूतर बेचने में आ जाए ना तो नाम ही काफी है, ठीक है ना। तो थोड़ा समझा करो यार, समझा करो, ये यहाँ ये अल्लाह ने दिया ये, इससे समझा करो सामने वाला बैठा क्या समझा रहा है। किसी के बोलने पे किसी के दामन यूं ही गंदे नहीं हो जाया करते, ठीक है दोस्तों। तो अगर आप चाहते हो आपकी ज़िंदगी में चेंजिंग आए तो यार बस सही का साथ दो आप, ये नहीं कहता कि मेरा साथ दो, दुनिया में भी अगर तरक्की देखनी है अपने देश की अपने कारोबार की किसी भी चीज की, बस सही का साथ दो, उसमें अड़ जाओ, कितनी भी अड़चने आए सही के साथ में अड़ जाओ, बस सही के साथ खड़े रहो, गलत का साथ मत दो, नहीं तो बर्बाद, तुम बर्बाद, देश बर्बाद, हर मामले में हर चीज बर्बाद, ठीक है ना। सही का साथ दें, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। अल्लाह हाफिज़।